हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे इस साल के अंत में एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ और एक नई आपके साथ। ये वीडियो उन व्यूवर्स और उन स्टूडेंट के लिए है जो जो नए साल में कुछ तमन्ना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो उन व्यूवर्स और उन स्टूडेंट के लिए है जो ये सोच रखे हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने फॉलोअर्स जैसा बनना है। भले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में कुछ भी हो, भले ही वो एक प्रोडक्ट हो या हमारे सपने हो, हर एक चीज़ प्रोसेस से होकर गुजरती है। और प्रोसेस से अगर पूरा नहीं गुजरोगे और उस चीज़ को जल्दबाजी में करोगे तो हो सकता है कि वो चीज़ भी ख़राब हो जाए और आपके सपने भी टूट जाए। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसको सुनकर हो सकता है कि आपकी सोच बदले, क्योंकि सोच बदलती है तो दुनिया बदलती है। दोस्तों, ये वीडियो है एक लड़की की कहानी जो एक तबला सीखना चाहता है। उसने डिसाइड किया कि भाई मैं तबला सीखूं, तो भाई सबसे बेस्ट तबला वादक जो कि है मिस्टर हुसैन, वो उनके पास गया। उन्होंने कहा कि मुझे आप तबला सिखा दीजिए। हुसैन साहब ने बोला, तुमने कभी पहले बजाया है? उन्होंने कहा, बजाया तो है, मतलब 6 महीने पहले मैंने कहीं सीखा था, पर उन्होंने अच्छा नहीं सिखाया और अभी मैं इतना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत हाथ हाथ साफ कर लेता हूँ पर मैं कर नहीं पाता हूँ। तो हुसैन साहब ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, 5 लाख रुपये लगेंगे और कम से कम 5 साल लगेंगे, क्या तुम मुझे दे सकते हो? उसने कहा, चलिए ठीक है, मैं दे दूंगा। तो उसने अगले दिन 5 लाख रुपये भरे और पहले दिन के लिए वो क्लास में आ गया। और क्लास ख़त्म होते हुए फिर एक लड़का फिर से आया और उन्होंने कहा कि सर, मुझे भी सीखना है। तो हुसैन साहब ने बोला, तुमने कभी बजाया? बोला, नहीं सर, मैं बिल्कुल नया हूँ, फ्रेशर हूँ और मैंने आज तक तबला कभी नहीं बजाया है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपये लगेगा, तुम सीख जाओगे। तो वो ये बात सुन के चला गया। तो इस बात पर जो पुराना लड़का था जिन्होंने एक दिन पहले ही उनसे एडमिशन लिया था, तो वो भिदक गया। उन्होंने कहा कि सर, आपने उससे 5 लाख रुपये लिए और आप मुझसे 5 साल कह रहे हैं और आप यही चीज़ उसको 1 लाख रुपये में करवा रहे हैं और 1 साल, ये तो सरासर अन्याय है सर। तो हुसैन साहब ने कहा कि 5 साल मैंने तुमसे इसलिए मांगे क्योंकि मुझे 4 साल कम से कम वो सब कुछ इरेज करने में लगेगा जो तुमने अभी तक सीखा, तब जाके तुम वो सीखोगे। तो दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस होती है और जब तक हम प्रोसेस से ना गुजरे हैं, हम अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं, बहुत सारे और भी कई किस्म के जो दुकान चालू करते हैं या जो किसी नौकरी को करते हैं, बहुत जल्द वो एक बड़े पद पे जाना चाहते हैं, वो प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डायरेक्ट ही उनको नियुक्त कर दिया जाए। या स्टूडेंट की बात करें, हर स्टूडेंट आज के दिन में 10 दिन या 5 दिन में ही कोर्स ख़त्म करने की बात करते हैं। दोस्तों, आप ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे, दोस्तों इसका सही उदाहरण दूँ तो एक बच्चा पैदा होने की सही प्रोसेस 9 महीने, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, पर वही चीज़ अगर 7 महीने में हो तो क्या होती है, क्रिटिकल हालात हो जाती है, बच्चे के वजन कम हो जाता है और कई ऐसी सिचुएशन में बच्चे की मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों, क्या वाकई में जो एक प्रोसेस होती है उसको छोड़कर अगर आपका उस चीज़ को घटाएं और उसको कम करके आप उसको आगे बढ़ें तो क्या आप सीख पाएंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी के चक्कर में कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, आप मुझे सिर्फ इतना सिखा दो, आप मुझे सिर्फ उतना सिखा दो, ये करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाले के पास आपके लिए बहुत कुछ हो और जो आप जानते हो उससे कहीं बेहतर आपको वो दे सके। तो दुनिया में अगर आगे बढ़ना है और दुनिया में अगर अपना नाम करना है तो सबसे पहले वो हर एक प्रोसेस को फॉलो करना सीखिए, उनको टाइम देना सीखिए और वो टाइम के साथ मेहनत कीजिए, एक धैर्य रखिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि एक निरंतर एक सीढ़ी को चढ़ते जाइए, कभी भी रुके मत। कोई नहीं कहता है आपसे, कोई भी मोटिवेटर ये नहीं कहेगा कि आप रुक कर बैठ जाइए, पर निरंतर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ना कभी एक सीढ़ी पायदान उछल के जब मारी, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जो आपने पायदान मिस कर दिया उधर आप कुछ नया सीख सकते थे। आई होप कि आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखे होंगे और ये समझे होंगे कि अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है या कुछ सीखना है या किसी को भी फॉलो कर रहे हैं उन जैसा बनना है तो वो भी एक प्रोसेस से निकले होंगे, तो आपको भी एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रातों रात कोई भी रातों रात ना तारा बनता है ना रातों रात आप बनेंगे। सो 24 घंटे जो आपके पास हैं, 24 घंटे वो उन्हीं के पास है, सिर्फ आप देखिए कि आप अपने 24 घंटे अपने आप को कितना दे रहे हैं। आई होप कि आप कुछ लेकर जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और सक्सेस हों। बस यही कहना चाहता हूं, देवधर अग्रवाल और एसर टेलीकॉम आपके साथ हमेशा रहेगा, एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। थैंक यू वेरी मच।